मेरे घर में पार्टी है, मेरे घर में मेरे मेहमान आ रहे हैं, यूएस से आ रहे हैं, अमेरिका से, और उस पार्टी में जो खर्चा हो रहा है, जो उनका और मेरा निजी कार्यक्रम है, उसका बिल मैं आपको थमा दूं, आप यानी कि भारतवासी, कैसा लगेगा? आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। आपको ये बता रही हूँ कि जो नाटक चल रहा है देश में, ये है क्या? हमारे देश में एक निजी कार्यक्रम हो रहा है, और इस निजी कार्यक्रम को कराने वाला कौन है, ये हमें जानने की जरूरत है। एक ट्रंप नागरिक अभिनंदन समिति है जो इस कार्यक्रम को करा रहा है। इस नागरिक समिति, ट्रंप नागरिक समिति जो है, उसका कोई सरकारी ऑडिट नहीं किया जाएगा। जब ट्रंप का ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, तो इस अभिनंदन समिति को खत्म कर दिया जाएगा, मतलब ये इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो हो क्या रहा है? अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि जो निमंत्रक है वो है नगर निगम और कलेक्ट्रेट यानी कि डीएम। परंतु अब जो बात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि ये जो यू एंड आई करके दिखा रहे हैं ना, तो इसमें यू एंड आई है, आई बहुत बड़ा अहम वाला शब्द है, इसमें वी नहीं है, इसमें आप नहीं है, यू फॉर यूएसए, आई फॉर इंडिया, बट इंडिया इज नॉट मोदी एंड मोदी इज नॉट इंडिया। परंतु इस कार्यक्रम में, जो एक निजी कार्यक्रम है प्रेसिडेंट ट्रंप का और मोदी जी का, जिसका नाम दिया गया है नमस्ते ट्रंप, जैसे कि हाउडी मोदी हुआ था ह्यूस्टन में, ये उसी प्रकार का कार्यक्रम है जिसमें सीएम जो है गुजरात के विजय रूपाणी, सीक्रेट एजेंसी जो है आपकी अमेरिका की, उन्होंने कहा है कि जो रोड शो होगा, अब आप बताइए कभी सुना है रोड शो हो रहा है? अब ये रोड शो कराने के पीछे जितना खर्चा आ रहा है, इसमें क्या क्या हुआ, इस पर भी आती हूँ मैं, मगर कितना अपमान हो रहा है कि गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, वो उस रोड शो का हिस्सा नहीं होंगे, मतलब वो काफिले में नहीं रहेंगे रोड शो के। आपको उस दीवार के बारे में पता है जो अहमदाबाद में बनाई गई है गरीबों को और गरीबी को छुपाने के लिए, ट्रंप से छुपाने के लिए, एक 10 किलोमीटर लंबी जो दीवार बनाई गई है, क्योंकि स्लम्स है वहाँ पे, मलिन बस्तियाँ हैं। और अब सुनिए कि क्या हो रहा है, शायद आपने दीवार के बारे में सुना होगा, पर क्या आपको ये पता है, लेटेस्ट कहानी आपको बता रही हूँ, कि वहाँ पे बड़े बड़े गमले जिसमें लंबे लंबे पेड़ हैं, उनको उस दीवार के सामने खड़ा कर दिया गया ताकि वो दीवार छुप जाए। पहले गरीबी छुपानी थी, फिर गरीबों को छुपाना था, दीवार बना दी, अब दीवार को छुपाना है, इसलिए उसके सामने गमले रख दिए हैं लंबे चौड़े पेड़ों के। अब आप मुझे बताइए, अगर ऐसा स्वच्छ भारत अभियान ही करना है हर जगह, तो ट्रंप को ले जाइए हर जगह, पर पैसा किसका खर्च होगा, पैसा क्यों आपका और मेरा खर्च होगा? इस पूरे कार्यक्रम का जो टाइम पीरियड है वो है 3 घंटे का, मात्र 3 घंटे के इस कार्यक्रम में 55 लाख रुपए प्रति मिनट आ रहा है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करें तो 100 करोड़ रुपए लग रहे हैं। आप मुझे बताइए कि ये 100 करोड़ रुपए किसके हैं? वहाँ के उप मुख्यमंत्री जो हैं नितिन पटेल, वो कहते हैं कि इसमें सरकार की सीधी भागीदारी कोई भूमिका नहीं है, और विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रवीश कुमार, वो भी ये कहते हैं कि ये सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये किसका कार्यक्रम है, ये ट्रंप नागरिक अभिनंदन समिति का कार्यक्रम है, इसलिए वो किसको इनवाइट कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है, ये भारत सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये रवीश कुमार जो प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय के, उनके वक्तव्य से बिल्कुल साफ है, ये यूएस गवर्नमेंट का कार्यक्रम नहीं, ये भारतीय गवर्नमेंट का कार्यक्रम नहीं। तो आपके और मेरे टैक्स पेयर के पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? इस टैक्स पेयर का पैसा जो है, इसका मतलब आपका और मेरा पैसा जिस चीज में लगाया जा रहा है, वो दीवार ही बनानी थी तो गरीबों के घर पक्के कर देते, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, मुझे अच्छा लगता कि हम टैक्स जो जमा करते हैं उससे गरीबों के घर बन गए, मगर दीवार बनाई गई उनको छुपाने के लिए। दूसरी तरफ देखिए, मैं अभी केवल इसके बारे में बात करना चाहती हूँ अहमदाबाद के कार्यक्रम की, मगर फिर भी आपको ये एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि दिल्ली में
जो कार्यक्रम है वो बाद में है, वो 100 करोड़ वाला नहीं है, उसके अलावा जो पैसा खर्च हो रहा है ये वो है। अब दिल्ली के जो सरकारी स्कूल है उसमें जाएंगे, उसमें मेलेनिया ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी, वो जाएंगी, और वहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, मनीष सिसोदिया जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के, और जिनकी वजह से ये बेहतरीन स्कूल है जिनको वो देखने जा रहे हैं, वहाँ पे वो नहीं रहेंगे। ये क्या हो रहा है देश में और ये क्यों हो रहा है? कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी जो हैं उनको एक निमंत्रण भेजा गया किसी भोज में जाने के लिए, जहां पे वे ट्रंप दंपत्ति से, ट्रंप परिवार से मिलेंगे, मगर उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि श्रीमती सोनिया गांधी उनकी जो लीडर हैं उनको इनवाइट नहीं किया गया, इसलिए वो नहीं आएंगे और इसमें कोई गलत नहीं है। अब ये देखें कि इस कार्यक्रम में वीआईपी टिकट्स बनाए गए हैं, मतलब ना तो ये कार्यक्रम यूएस गवर्नमेंट का है, ना ये कार्यक्रम इंडियन गवर्नमेंट का है, और इसमें वीआईपी टिकट्स रखे गए हैं। अब ये जो वीआईपी टिकट्स है ये किसको दिए जाएंगे? ये दिए जाएंगे ट्रंप डोनर्स को, मतलब ये वीआईपी सीट्स उनको दी जाएगी। तो यानी कि ये जो निजी कार्यक्रम है ये करा जा रहा है, और इसमें बहुत सारी विरोधाभास है, इसमें बहुत सारे सवाल है। और रहते रहते मैं ये भी चाहूँगी कि हमारे जो प्रधान सेवक हैं जो बताते हैं कि वो देश को नहीं लुटने देंगे, देश का बड़ा नाम करते हैं, ये कहते हैं कि देश में बड़ा हमारा नाम हुआ, इनके तो सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते रहते हैं, परंतु अब जरूरत है कि भक्त जो है वो भी ये समझ ले कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मत बनिए। क्योंकि आप देखिए आगरा में क्या कर रहे हैं, आगरा जब ये जाएंगे वहां बदबू आ रही है, वहां के यमुना में पानी नहीं, इसलिए जबरदस्ती इसमें पानी छोड़ा जा रहा है ताकि उसमें बदबू ना आए। वहां पे कितना पैसा खर्च कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार भी कर रही होगी। अब ये पैसा क्यों खर्च करा जा रहा है? जब हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था तो वहां पे हमारे प्रधान सेवक ने क्या कहा था, हमारे प्रधान सेवक ने कहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में कहा था कि उन्होंने ये कहा है दैट इंडिया हैज अ ट्रू फ्रेंड इन द व्हाइट हाउस, भारत का एक सच्चा मित्र है व्हाइट हाउस में। तो चलते चलते वे उनसे कुछ सवाल भी हैं हमारे जो उन्हें पूछ लेना चाहिए। क्या है ये सवाल? ये सवाल है कि आने के पहले वो आ रहे हैं यहाँ और हम लगे हुए हैं पागलों की तरह उनके कार्यक्रम के बारे में, हर टीवी चैनल वाले को देखिए, मीडिया वालों को देखिए, असलियत नहीं बता रहे, मगर मीडिया वाले जो है इस कार्यक्रम को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे उनका निजी कार्यक्रम है। निजी कार्यक्रम है दोस्तों, साथियों, निजी कार्यक्रम। और इसमें जो सवाल है वो कौन पूछेगा? सवाल ये है कि आने के पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो 240 मिलियन USD, मतलब 240 मिलियन USD का हमारे ऊपर पेनल्टी ठोक डाली है। जी हाँ, हमारे ऊपर इन्होंने इतना बड़ा जुर्माना ठोक डाला है। अब आप मुझे बताइए कि ये यहाँ आ रहे हैं, हमारा अपमान करने आ रहे हैं, हम लगे हुए हैं तैयारियां करने, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि मेरे घर में मेहमान आ रहा है और मैं घर में खूब तैयारियां कर रही हूँ, और वो मेरी ही बेइज्जती करेगा, पहले मेरा ही अपमान करेगा और मेरे ही घर में आएगा, मेरे ही बनाए हुए लड्डू खाएगा और वो चला जाएगा और मैं उसकी जय जयकार करती रहूंगी। हो क्या रहा है देश में? मैं जानना चाहती हूँ कि 240 मिलियन यूएस डॉलर का जो ये जुर्माना इन्होंने ठोक डाला है भारत पर, ये क्यों ठोका है इन्होंने, इसके बारे में कौन पूछेगा? ये क्यों किया आने के पहले? अरे करना ही था तो 4 दिन बाद कर देते यहाँ से जाने के, लेकिन आ रहे हैं, मतलब चोरी और सीनाजोरी क्या होती है, यही तो होती है। आप देखिए कि हमारा एक संधि था व्यापार से संबंधित, तो व्यापार से जो संबंधित संधि है उसके बारे में क्या कहते हैं ये डोनाल्ड ट्रंप? ये कहते हैं कि भारत जो है हैज नॉट बीन बिहेविंग प्रॉपरली, भारत सही तरीके से, अच्छी तरह से बिहेव नहीं कर रहा। अपमान, अनादर, इतना अपमान, इतना अनादर कर क्या रहे हैं? और कह रहे हैं मोदी से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है मगर भारत जो है वो अच्छी तरह से बिहेव नहीं कर रहा है, इसलिए अभी मैं उनके साथ कोई ट्रेड अग्रीमेंट, कोई व्यापार संधि नहीं करूंगा, इसको बाद में करेंगे, बड़ा सा करेंगे पर बाद में।
मतलब इन दोनों की आपसी दोस्ती को दिखाया जा रहा है और ये क्या चल रहा है। और जैसे हमारे प्रधान सेवक यहाँ पे हैं, वैसे ही ट्रंप हैं अमेरिका में। आपने देखी होगी वो तस्वीरें जहाँ पे वो बड़ी सी मूर्तियाँ चला रहे हैं लोग और पीछे से मार रहे हैं। पर हम लोग भी जो है ना ऐसे संस्कारी हैं कि हम लोग ऐसे काम नहीं करते। वहाँ के लोग जो हैं अजीब अजीब तरह की चीज़ें कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की मूर्ति बना के, उनका तो इम्पीचमेंट हुआ, वो तो सेनेट में बचे। मगर आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने हमें विकासशील देशों की सूची में से निकाल दिया। अब वो उसमें हमें कब डालेंगे, क्या ये सवाल पूछने वाले नहीं हैं? जीएसपी को कब बहाल करेंगे, और जीएसपी के तहत जो है जो सामान जाता है हमारा, जो एक प्रेफरेंशियल टैरिफ सिस्टम है जिसमें पैसा जो है वो हमें थोड़ा कम करके हो जाता है, हमें बेहतर तरीके से ट्रेड करने का मौका मिलता है, वो होता है जीएसपी। और हमारे को क्या किया है कि जो जीएसपी जो है हमारे केस में, भारत के केस में हटा दी गई है। इसको कब बहाल किया जाएगा, क्या ये हमारे प्रधान सेवक उनसे पूछेंगे? क्या हमारे प्रधान सेवक ये भी पूछेंगे कि वीज़ा पर, H-1B वीज़ा पर इन्होंने क्यों लिमिट लगाई हुई है? क्यों ऐसा हुआ है कि पहले कोटा था 70% का, अब वो कोटा 70% से घटा कर दिया गया है जी 15%? क्यों भाई? मतलब ये सब कर रहा है अमेरिका हमारे साथ, और हम क्या कर रहे हैं, उनके आने की तैयारी कर रहे हैं। हम पागल हो जा रहे हैं, पगलेट होते चले जा रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ा इशू जो राष्ट्रवाद का हमारे प्रधान सेवक कहते रहते हैं उसके बारे में आप देखिए कि कश्मीर पर मध्यस्थता करने के बारे में ये बार बार कहते हैं, इफ इंडिया वांट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान वांट, आई कैन प्ले द मीडिएटर। और फिर हमारी तरफ से बयान आते हैं कि नहीं नहीं, हमें कोई मीडिएशन नहीं चाहिए। भाई, पर ये तो बार बार बोल रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हम इनके स्वागत में लगे हुए हैं, ये हमारा अपमान पे अपमान कर रहे हैं, और हम जो हैं बुड़बक बने जा रहे हैं। मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, भक्तगण बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह मत बनिए। हम सबको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हमें बुड़बक ना समझे। आप देखिए कि अहमदाबाद में 58 लाख की जनसंख्या है। अब ये क्या कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज सेड दैट फ्रॉम दी एयरपोर्ट टू मोटेरा स्टेडियम देयर विल बी 7 मिलियन पीपल, यानी कि 70 लाख लोग खड़े होंगे सड़कों पर। उसके बाद अब रिसेंट कल वाला जो स्टेटमेंट है, कह रहे हैं कि 10 मिलियन, मतलब 1 करोड़ लोग उनके स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। ये किसी के बाप के नौकर हैं? पहले हमारे परिवार के वो सदस्य जो गरीब है, जिनको उस दीवार के पीछे छिपाया गया, क्या ये सही कर रहे हैं? ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए परिवारों में भी होता है, कई बार आपके रिश्तेदार होते हैं जो गरीब होते हैं, कोई अमीर होता है, पर उससे रिश्ता नहीं बदल जाता। हम सब भारतीय हैं, और मेरे देश का हर वो व्यक्ति जो गरीब है, जो पिछड़ा है, वो सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। वो मेरा मान, मेरा अभिमान है, वो आपका मान, आपका अभिमान है। परंतु हम क्या कर रहे हैं, हम उन्हें दीवारों के पीछे छुपा रहे हैं। हमें उनसे शर्म आ रही है क्या? नहीं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ये तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हम अपने लोगों की जो रहने की स्थिति है उसको बेहतर करें, व्यवस्थाओं को ठीक करें। हम एक कल्याणकारी राज्य है, हो क्या रहा है मेरे देश में, जहाँ पे मैं ये देख रही हूँ आज कि किस तरह से हमारे लोगों को खड़ा करा जा रहा है सड़कों पर, एक ऐसे व्यक्ति के स्वागत में जो जिसका एक कार्यक्रम, एक निजी कार्यक्रम है, और जिसमें खर्च किया जा रहा है आपका और मेरा पैसा। हो क्या रहा है, इस सवाल को ज़रूर पूछिएगा, और ये ज़रूर जानने की कोशिश करिएगा कि ये जो ट्रंप अभिनंदन नागरिक अभिनंदन समिति है, ये आखिर में क्यों बनाई गई है, और इसके पास ये पावर होगी कि ये उन सब से जहाँ जहाँ भी मतलब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनका जो पैसा वो देते हैं सोशल वर्क के लिए, वो सारा पैसा जो है वो यहाँ आ सकता है इस कंपनी के थ्रू। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि सरकार हमारे पैसे इस कंपनी को क्यों दे रही है, और ये कंपनी और भी कंपनियों से, ये समिति और भी कंपनियों से पैसा ले सकती है। तो
क्या करेंगे वो? और इसका ऑडिट सरकारी ऑडिट नहीं होगा क्योंकि ये सरकारी कंपनी नहीं है। तो आप समझ रहे हैं ना, आपका और मेरा पैसा जो है वो कहाँ जा रहा है, वो क्यों जा रहा है? कार्यक्रम है मेरे और मेरे मित्र के बीच में। मेरा मित्र अमेरिका से आ रहा है, मैं भारत में बैठी हूँ, मैं उसके लिए अपने घर में तैयारियाँ कर रही हूँ। वो मेरे घर में मात्र 3 घंटे रुकेगा, पर आने के पहले वो मुझे कह रहा है कि वो मेरे साथ क्या क्या चीज़ें करने वाला है और मेरे साथ कितनी नाइंसाफियां करेगा, और फिर भी मैं बैठी हूँ आंखें बिछाए कि वो कब आएगा मेरे घर और मैं खर्च करूँ पैसा, सामान खरीदूँ, घर को सजाऊँ, खाने का सामान लाऊँ, उसको ले जाने के लिए गिफ्ट दूँ और उसका बिल मैं आपको दे दूँ। क्या ये सही है? ये आपको सोचने की ज़रूरत है, ये भारत देश के हर भारतीय को सोचने की ज़रूरत है, इस पर सवाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सही नहीं है। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये देश हमारा है। और साथियों, इसी के साथ अपनी बात को मैं ख़त्म करती हूँ और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप ये सवाल करेंगे और सोचेंगे इस विषय पर। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को पता चल सके इस कार्यक्रम के बारे में, जिसका नाम दिया गया है नमस्ते ट्रंप।